हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी ऑटो सेंटर। हमारे पास है टीवीएस विक्टर, इसमें दिक्कत है वायरिंग की, इसको हम स्टार्ट करेंगे और स्टेयरिंग को थोड़ा भी बेंड करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसमें वायरिंग की दिक्कत है, आगे का जो वाइजर है इसको हम ओपन करेंगे। पहले इसके कहीं से इसकी तार कट गई है या कहीं से इसका जो सॉकेट होता है लूज कनेक्शन है इसका, तो हम वाइजर को ओपन करके देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। चलिए हम इसको पहले वाइजर ओपन कर लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें ये तीन बोल्ट खोलने पड़ेंगे, दूसरे नीचे दो बोल्ट है उसको हमें ओपन करना पड़ेगा। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से इसकी एक तार जो मेन पावर की तार होती है वो यहाँ से इसकी कट चुकी थी, ये वाली जो ब्राउन कलर की है वो, तो हमने एक दूसरी तार एक्स्ट्रा इसमें जोड़ ली है। देखिए पूरा वायरिंग हमने खोल के इसको चेक किया, यहाँ से एक तार टूट चुकी थी ये, तो इसको हमने ज्वाइन कर लिया दूसरी तार से। अभी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो गाइस, हम इसे अच्छे से इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसमें टैप लगा देंगे, पूरी तरीके से सील्स कर लेंगे पूरा, और फिर इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ऐसा भी आपके साथ प्रॉब्लम हो कभी, या स्टीयरिंग मोड़ने से बाइक बंद हो जाती है, तो सबसे पहले इसका सॉकेट चेक कीजिए और इसकी वायरिंग चेक कीजिए, तभी आपको इसका प्रॉब्लम मिलेगा। कहाँ से भी वायरिंग से कट हो जाएगा कोई भी एक भी वायर, तो बाइक में ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, स्टीयरिंग बुड़ने से बाइक बंद हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले सॉकेट चेक कीजिए गाड़ी का कि सॉकेट कोई भी सॉकेट लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ होगा फिर भी ऐसा होगा, अगर वायर कट जाएगी फिर भी ऐसा होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस। तो पहले हम इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। तो गाइस, हमने इसको कम्प्लीट ले इस पे इसके वायर पे टैप लगा दिए पूरी, और इसको फिटिंग कर लेंगे, फिर स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेंगे कम्प्लीट है कि नहीं। चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं पहले, फिर बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये हो चुके हैं बिल्कुल कम्प्लीट, अभी बंद नहीं होगी गाड़ी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।